अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस एडमिन पैनल का कैटेगरी बनाना सिखाता हूँ। जो कैटेगरी हम लोग कैसे बनाते हैं और डिलीट कैसे करते हैं और कैटेगरी नंबर पे कैसे लेके आते हैं, एक दूसरे के नीचे हमको रखना होगा। तो इस जो ना बारे में आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने पैनल में यहाँ एडमिन पैनल को लॉगिन कर देना है, ठीक है। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जो ना मोबाइल हो या लैपटॉप जो भी है यूज़ करते हैं आप लोग, यहाँ कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं। अगर मोबाइल यूज़ करता है ऊपर थ्री लाइन में क्लिक करेगा तो यहाँ कैटेगरी शो होगा, कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब यहाँ आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सारे आपके कैटेगरी आपको इधर नजर आए, ठीक है। मैं लास्ट वाले में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैं आप लोगों को नया जो कैटेगरी बनाना है तो वो कैटेगरी सबसे लास्ट में रखना है। इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बनाया, अगर आपने सबसे लास्ट वाले में रखना है इधर कैटेगरी, तो सबसे पहले इस नंबर को आपने याद रखना है, 809, ठीक है। 809 यानी इस कैटेगरी के ये इसके नीचे इधर इधर इस जगह पे आएगा, 809 पे जो भी आप बनाएगा। अगर 807 में बनाएगा तो ये इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ एक बना के कैटेगरी दिखाता हूँ। कैटेगरी बनाने के लिए आपने क्या करना है, कैटेगरी पे सेलेक्ट करके यहाँ ये जगह में यहाँ छोटा सा एक प्लस का निशान है, ठीक है, जमा का निशान, यहाँ पे आपने जो ना क्लिक करना, ठीक है। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो कैटेगरी का नाम पूछता है, कैटेगरी का नाम क्या है, ठीक है। मैं वैसे ऐसे पीके लिखता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, कौन से इसका जो ना सॉर्टिंग नंबर क्या है इसमें, उधर 809 था, मैं इसको 810 करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। अगर एक ज़्यादा होगा कम होगा कोई मुश्किल नहीं, कम नहीं होना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। और कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको सबमिट करना है। ये कैटेगरी हमारा बन चुका है अभी। यहाँ अभी मैं लास्ट में जाके देखता हूँ, मेरा ये कैटेगरी बन चुका है, ठीक है। पी के इसमें ये देख रहे हैं आप, मेरा जो कैटेगरी था ये यहाँ पे तो वो आ गया, नीचे आ गए। अगर इसको मैं 808 कर देता तो ये दूसरे पेज में यानी उसके ऊपर हो जाता। इसीलिए जो ना ये नंबर लाजम याद करना है, इस नंबर के जो ना बहुत काम आते हैं। तो अभी इस अगर कैट इसको डिलीट करना या इसको ऊपर रखना आगे रखना हो तो क्या करना है, यहाँ से अगर आपने इसके ऊपर रखना है, कौन से नंबर में रखना है या सबसे पहले रखना है, यहाँ एडिट करके उस के जो कैटेगरी की जगह में रखना है उसका नंबर यहाँ लिखना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी डिलीट इसको कैसे करते हैं, मैं यहाँ से इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ डिलीट तीन डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें, यहाँ ओके करें, तो ये कैटेगरी डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कैटेगरी में सब कुछ डिलीट करने बताता हूँ। जैसा कि आप अपने पूरे कैटेगरी पैनल के अंदर डिलीट करते तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ आपको मिलता है ऑप्शन एक कोने में, इधर ये पूरा यहाँ सेलेक्ट करेगा तो पूरा कैटेगरी आल मार्क होगा, तो फिर यहाँ एक्शन में क्लिक करेगा तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अभी ये देखना, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये जितने भी कैटेगरी सब सिलेक्ट हो गए। एक्शन पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑल डीएक्टिवेट हो गए सर्विस है, और इसमें डीएक्टिवेट भी है, और इसमें अगर डीएक्टिवेटेड सर्विस है तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके जो ना कैटेगरी आपने बना दिया, कोई भी कैटेगरी बनाया, यूजर को तब तक शो नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर कोई सर्विस ऐड ना करें, ठीक है। जब कोई सर्विस आप उसमें ऐड करते हो तो वो यूज़र को शो होगा, नहीं तो वो किसी को शो नहीं होगा। यहाँ मैं आप लोगों को इसको
के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ जब आएगा ना, अभी ये देखना मेरे इसमें कितना कैटेगरी बना हुआ है जो खाली है। मैं भी ये 10 वाले पेज में आके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखना यहाँ, ये सारे कैटेगरी मैंने बनाया, अभी तक कोई सर्विस नहीं डाला, ठीक है। अभी इसमें क्या है, यूजर जब भी जाता है अपने पैनल में, ये बहुत अच्छा तरीका है, जब भी उधर विजिट करता है तब तक उसमें हम लोग सर्विस नहीं डालते ना, तो ये कैटेगरी उसको शो नहीं होगा। यूजर इधर से आता है, ठीक है, न्यू ऑर्डर पे आके यहाँ कैटेगरी में सेलेक्ट करता, तो लास्ट में मेरे देखना टेलीग्राम को जितने भी कैटेगरी मैंने बनाया था कोई भी शो नहीं हुआ। क्यों, उसमें अभी तक हम लोगों ने सर्विस नहीं ऐड किया। तो सर्विस कैसे ऐड करते हैं, इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि सर्विस कैसे ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया, और फिर भी कोई समझ में नहीं आया कोई ऐसी जगह, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इस चैनल को जो ना सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि हमारे हर जो ना वीडियो और जो ना अपलोड होती है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, बिल का घंटी को आप लोगों ने प्रेस करना है, ठीक है। इजाज़त करता हूँ इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।